हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो हमारा हिंदू मैरिज अधिनियम है 1955 का। उसमें से लेके आया हूँ एक क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि हम डिवोर्स के बाद कब दोबारा मैरिज कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 में डिफाइन है कि डिवोर्स पर्सन जिसका तलाक हो गया है वो कब दोबारा मैरिज कर सकता है। ये हमारी धारा 15 में डिफाइन है, हमारी धारा 15 में दिया गया है। गाइस, डिवोर्स क्या होता है? डिवोर्स होता है तलाक, जिसके द्वारा दो स्पाउस जो हैं वो अलग होते हैं, उसको कहते हैं डिवोर्स। ओके, डिवोर्स के मेनली कई रीज़न होते हैं। ये सारे रीज़न होते हैं इसकी ग्राउंड्स डिवोर्स की, ये मेंशन है सेक्शन 13 में। ओके, और सेक्शन 13 बी में है म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स। जो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स है और सेक्शन 13 का डिवोर्स है, इनमें बहुत सारा अंतर है। ओके, म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स होता है वो अपनी सहमति से दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन जो सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दी गई हैं उसमें जो डिवोर्स होता है उसमें जो है एक की सहमति होती है, एक डिवोर्स देना चाहता है, दूसरा डिवोर्स लेना नहीं चाहता। ये सेक्शन 13 का है। अब बात आते हैं कि क्या डिवोर्स के बाद कोई पर्सन दोबारा मैरिज कर सकता है। जी हाँ, डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद जो पर्सन है वो दोबारा मैरिज कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए कब वो मैरिज कर सकता है। ओके, जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, अगर हिंदू लोग की बात करें, जब एक बार डिवोर्स हो जाता है तो तब जो पर्सन है वो फिर से उसी पर्सन के साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ मैरिज कर सकता है। फिर से उसी पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ मैरिज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम लोग की, जब हम बात करते हैं मुस्लिम लोग की, लेकिन उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है। जो मेल के पास है, मेल के पास अनलिमिटेड मैरिज करने का राइट है। मेल के पास 4 मैरिज लिमिटेड है, और जो है मुत्ता मैरिज का कॉन्सेप्ट भी है मुस्लिम लोगों में। मैं इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मुस्लिम लोगों को टच करने का मीनिंग यही था कि जब एक वूमेन जो है, वूमेन को डिवोर्स मिल जाता है, तब वूमेन ने उसी आदमी से दोबारा से शादी करनी होगी, तो वहाँ पे एक डॉक्ट्राइन ऑफ हलाला लगता है। डॉक्ट्राइन ऑफ हलाला जो होता है, उसमें मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ हलाला। मीन्स होता है कि अगर एक वूमेन है जिसने डिवोर्स ले लिया है, अगर उस वूमेन ने फिर से वही अपने हस्बैंड के साथ फिर से दोबारा शादी करनी है, तो उसको पहले किसी और पर्सन के साथ शादी करनी होगी, उससे फिज़िकल रिलेशन बनाना होगा और सारी परफॉर्म करनी होगी, जो भी मुस्लिम मैरिज की रीति रिवाज होते हैं उसको परफॉर्म करके फिर उससे तलाक लेकर फिर वो अपने सेम हस्बैंड के पास आ सकती है। अब आ जाते हैं हम हिंदू लोगों में। हिंदू लोगों में सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने दोबारा मैरिज करनी है डिवोर्स के बाद, उसके लिए उसको क्या चाहिए। व्हेन ए मैरिज हैज़ बीन डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स, अगर किसी पर्सन की मैरिज जो है वो डिक्री ऑफ डिवोर्स ने मंजूर कर दिया है, उसको डिवोर्स मिल गया है, तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन दूसरी शादी कर सकता है। उसके पास राइट आ जाता है कि वो डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन इसमें दो बात आती है, एक डिवोर्स मिलता है सेक्शन 13 में, एक डिवोर्स मिलता है सेक्शन 13 बी में। जो सेक्शन 13 बी में डिवोर्स मिलता है, जैसे ही उसको डिवोर्स ग्रांटेड हुआ, दोनों को वो डिवोर्स ग्रांटेड हुआ, वो दोनों अपनी मर्जी से कहीं पे भी शादी कर सकते हैं। उसके बाद डिवोर्स होने के बाद तुरंत बाद ही कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सेक्शन 13 की, जब एक डिवोर्स देने को राज़ी होता है, दूसरा डिवोर्स नहीं लेना चाहता, जब जो व्यक्ति डिवोर्स लेने को राज़ी होता है और कोर्ट उसकी जो अपील होती है, उसने जो केस फाइल किया होता है डिवोर्स का, उसको ग्रांट कर देती है, उसको मंजूरी दे देती है। वो पर्सन या दूसरा पर्सन वो डिवोर्स के तुरंत बाद ही मैरिज नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कुछ लिमिटेड पीरियड का वेट करना होगा। देयर इज़ ए नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री। देखिए गाइस, जब भी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट हो, जब भी डिवोर्स लेते ही है ना, जब 13 में लेते हैं, जब एक व्यक्ति डिवोर्स देने के लिए तैयार होता है, दूसरा नहीं लेने के लिए तैयार होता है, जब जो व्यक्ति लेने के लिए डिवोर्स तैयार होता है उसको डिवोर्स मिल जाता है, तो दूसरे पर्सन के पास राइट आ जाता है कि उस डिसीज़न को चैलेंज कर सके ऊपरली कोर्ट पे।
एनी अदर कोर्ट पे, जो उसके सुपीरियर कोर्ट होगी उसके ऊपर वो चैलेंज कर सकता है उस डिवोर्स को। लेकिन उसको चैलेंज, उसको अपील कब तक कर सकता है, उसको अपील करने का कुछ लिमिटेड टाइम दिया गया है कि वो 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर उसने अपील कर दी ऊपर वाली हाई कोर्ट में, और फिर ठीक है, फिर वो जो कोर्ट का डिसीज़न आएगा उसको मानना पड़ेगा। ओके, अगर उसने 90 डेज़ में अपील फाइल नहीं की, जो व्यक्ति हार गया है डिवोर्स की पिटीशन की, तो जो दूसरा पर्सन है वो शादी कर सकता है अगर उसने 90 डेज़ में अपील फाइल नहीं की, और जो दूसरा पर्सन है वो विद इन द 90 डेज़ में जो है वो मैरिज नहीं कर सकता, उसको 90 डेज़ तक वेट करना होगा, फिर वो मैरिज कर सकता है 91st डे में। ओके, सो सिंपली है इसमें कि अगर एक व्यक्ति ने डिवोर्स दे दिया है, एक व्यक्ति को दो डिवोर्स मिल गया है, सो दूसरा जो पर्सन है, दूसरा जो स्पाउस है उसका, ओके, सो उसको जो है जिसने डिवोर्स लिया है, अगर उसने दूसरी शादी करनी है तो उसको दूसरे पर्सन के अपील डेज पूरे होने तक वेट करना होगा, उसको अपील डेज वेट पूरे होने तक वेट करना होगा कि जब वो अपील डेज पूरे हो जाएं, अगर वो अपील कर देता है तो फिर वो शादी नहीं कर सकता, फिर आगे जो कोर्ट का डिसीज़न आएगा ग्रांट करती है कि नहीं करती उसको देखा जाएगा। ओके, अगर उसने अपील डेज जो है वो वेस्ट कर दिए और 91st डे आ गया, तो जो दूसरा पर्सन है वो मैरिज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हस्बैंड एक वाइफ है, वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने जो हस्बैंड के ऊपर अडल्ट्री का चार्ज लगाकर डिवोर्स जो है वो हासिल कर लिया, लेकिन जो हस्बैंड था वो डिवोर्स नहीं देना चाहता था, वो कहता था कि ये झूठ बोल रही है। सो वाइफ क्या करना चाहती थी, वाइफ जो थी वो दूसरी मैरिज करनी चाहती थी डिवोर्स के तुरंत बाद ही, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हस्बैंड के पास राइट है कि वो अपील आगे फाइल कर सकता है, तब तक वाइफ को वेट करनी होगी। ओके, वाइफ को कब तक वेट करनी होगी, 90 डे तक, जब तक हस्बैंड 90 डेज अगर हस्बैंड ने 90 डेज़ के अंदर अंदर अपील फाइल कर दी किसी और कोर्ट में, तो जो वाइफ है उसको आगे फर्दर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, केस लड़ना होगा। लेकिन अगर जो हस्बैंड है अगर 90 डेज़ में अपील फाइल नहीं करता ऊपर वाली हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, तो वाइफ के पास राइट आ जाता है कि वो 90 डेज़ के बाद मैरिज कर सकती है, लेकिन वाइफ को 90 डेज़ तक वेट करना होगा। लेकिन जब म्यूचुअल कंसेंट की बात आती है, जब दोनों की सहमति से डिवोर्स होता है, वहाँ पे कोई अपील का चांसेस ही नहीं रह जाते, वहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपील नहीं कर सकता जब उन दोनों की सहमति से डिवोर्स हुआ है, वहाँ पर वो व्यक्ति अपील नहीं कर सकता कि मैंने इसको डिवोर्स नहीं देना था, और वहाँ पे जो एक बार डिवोर्स हो गया तो उसके बाद ही तुरंत बाद ही वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं। सो ये था रीमैरिज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं लगा तो आप गो टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये अच्छी लगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। Thank you so much guys for watching, subscribe for more videos.